आगरा आए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन की अध्यक्षता में सदर आगरा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से आगरा में आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग रखी। उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मीडिया के माध्यम से प्रदेश में केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने सरकार को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का ना मिलना, वर्तमान स्थिति में धान की एवं बाजरा की खरीद पर सरकार द्वारा निर्णय ना लेना, सरकार द्वारा किसानों के हित की अनदेखी करना और सबसे महत्वपूर्ण मांग आगरा में आलू उत्पादक किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और आलू के निर्यात पर जोर देने की मांग रखी और 2 वर्षों का बकाया गन्ना भुगतान देने की भी मांग रखी। इस मौके पर कई किसानों ने BKU टिकट की सदस्यता ग्रहण की। जादौन, प्रदेश अध्यक्ष हूं भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। आगरा आए आप, क्या क्या मुद्दे हैं आपके किसानों से जुड़े हुए और इन्हें लेकर? वैसे तो पूरे देश में किसान मुद्दों की वजह से परेशान है, समस्याओं की वजह से परेशान है। देखिए, आगरा विशेष, आगरा आने के बाद यहाँ जो हमने देखा, जो किसानों से बातचीत की, समझ में आया यहाँ आलू का बड़ा क्षेत्र है। आलू में पिछले 5 साल से किसान बर्बाद हुआ और घाटे में जब उसने खेती की, उसके पास पैसा नहीं बचा, ना तो खेती करने को पैसा बचा, ना बच्चों के पालन पोषण को पैसा बचा, ना पढ़ाई को पैसा बचा, तब वो आत्महत्या करने लगा। बताया गया है यहाँ पर कि 50 किसानों ने आत्महत्या की अकेले ज़िले में। आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है, हर जगह ऐसा हुआ होगा। तो जब हमने किसानों से बात की तो निकल के ये बात आई कि हाँ, आलू का एक प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए जिससे किसान उस आलू का और अच्छा भाव ले सके। इत्तेफाक है, इस साल कुछ भाव बढ़ा, लेकिन जब किसान के खेत से निकल रहा था आलू, तब ये भाव नहीं था। भाई, किसान के खेत से आलू जब निकले वो भाव माना जाता है, ये तो कोल्ड स्टोर में रहा और भाव बढ़ गया इत्तेफाक से। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए और आलू के किसान को किस तरह से यहाँ डेवलप किया जाए, सरकार फील्ड में किसानों के साथ बैठ करके पूछे कि आलू के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता, वो नीतियाँ बनाए। और क्या मुद्दे हैं पूरे प्रदेश में? आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसानों के। इस समय तो मुख्य रूप से धान है, खरीद नहीं हो रही, गन्ना है, उसका 2 साल का पेमेंट नहीं मिला और नया सीजन शुरू हो गया, किसान ने फिर गन्ना देना शुरू कर दिया। अन्ना प्रथा है, जानवरों की वजह से किसान परेशान है। एक ऐसी महामारी आई है कि किसी देवी आपदा की जरूरत ही नहीं रह गई, अब तो जानवर ही एक देवी आपदा के रूप में है कि किसान सौदन फसल को सुरक्षित रखता है और अगर 10 मिनट क्या 10 सेकंड भी लेट हो जाए अपने खेत में, एक बार जानवर चला जाए तो निकालते निकालते में फसल नष्ट कर देता है। बिजली पर है, बिजली पर सरकार के वसूली के नाम पर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, FIR लिखी जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर बिजली के बकाया पे FIR हो रही है तो सबसे पहले ज़िले के कलेक्टर और SP, जितने टॉप क्लास के अधिकारी हैं, यहाँ तो कमिश्नरी का है, कमिश्नर DIG को ले लें, इनके बंगलों का, इनके ऑफिसों का, इनके विभागों का बिजली का बकाया देख लें। सर्वाधिक बड़े बकायादार निकलेंगे ये, तो सबसे पहले तो इनकी FIR होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, इनका कनेक्शन कटना चाहिए। किसान का 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये होगा और उसका कनेक्शन काटा जाता है, सबसे बड़े बकायादार तो ये।